नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। दोस्तों कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं 4 वैकेंसीज के बारे में, 3 के बारे में शॉर्ट में, 1 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स के साथ। यहाँ पर चारों ही सरकारी नौकरियां हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है, साथ ही ऑल इंडिया जॉब। आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए हम जान लें इसके बारे में डिटेल्स में। दोस्तों पहली वैकेंसी आई है पोस्टल सर्कल के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर 5778 ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट हैं, जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 10वीं पास के कैंडिडेट। सेकंड वैकेंसी आई है टीएमसी यानी कि टाटा मेमोरियल सेंटर के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर 233 जेई और क्लर्क के पद हैं, जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं 12वीं पास, आईटीआई पास, डिप्लोमा, बीटेक, बी फार्मा, आईटी, सिविल, बीएससी, एमएससी, नर्सिंग के कैंडिडेट। और दोस्तों थर्ड वैकेंसी आई है एम्स के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर वेरियस एई, जेई और असिस्टेंट के पद हैं, जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं 12वीं पास, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री, बीएससी, बीई, बीटेक, एमए, एमएससी के कैंडिडेट। दोस्तों इन वैकेंसीज की पूरी जानकारी के लिए स्पेशली इन पर बने वीडियोस को देखें, हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों आज हम जिस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे वो आई है कोचिंग शिपयार्ड के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पद हैं, तो चलिए जान लें इसकी वैकेंसी डिटेल, साथ ही आपको बता दें कि अप्लाई कैसे करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वैकेंसीज लेकर आए। शेयर करते तो हमें सपोर्ट करते हैं और सब्सक्राइब करके रिक्रूटमेंट हब फैमिली का हिस्सा बन जाते हो, तो आप जरूर से वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। साथ ही दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस वैकेंसी को अप्लाई करने का सारा डिटेल, साथ ही आपको मिलेगा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, जिसे कि आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पर आपको मिलते हैं डेली जॉब अलर्ट्स, प्रीवियस रिक्वेस्ट वगैरह। तो आप जरूर से हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटिंग बॉडी है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, एम्प्लॉयमेंट टाइप है केरला, गवर्नमेंट जॉब, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्पेसिफाइड नहीं है, जॉब लोकेशन है केरला और यहाँ पर पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का क्विज क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? आपके ऑप्शंस हैं 16, 17, 20 या फिर 22। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसके क्वालिफिकेशंस के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीटेक या डिप्लोमा पास कर लिया। यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट मांगी गई है मैक्सिमम 30 इयर्स। पे स्केल मिलता है आपको 19,200 टू 20,400 रुपीज। वहीं सिलेक्शन प्रोसीजर बेस्ड है सिर्फ इंटरव्यू पर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई भी एग्जाम नहीं होना है, आपको जरूर से अप्लाई करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है ऑल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली हमारे वेबसाइट पर चलाना है, सारे डिटेल्स को पढ़ लेने, उसके बाद सिंपली स्क्रीन पर शो कर रहे लिंक पर क्लिक करके अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। उसके बाद सिंपली आपको सेकंड लिंक यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक करके अप्लाई करना है। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है 4 अप्रैल और लास्ट डेट है 25 अप्रैल 2018। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पर और दोस्तों ये हम आ चुके हैं कोचिंग शिपयार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पर और आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स भरने, नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, पासवर्ड को रिपीट करना है, ईमेल आईडी भरना है, ईमेल आईडी को भी रिपीट करना है। उसके बाद आपको सिंपली यस पे क्लिक करके सबमिट कर देना है और सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। दोस्तों ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है यानी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।